रिसेशन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, कंपनीज ने हायर करना स्टार्ट नहीं किया है, बिग टेक कंपनीज ले ऑफ्स करे जा रही हैं, हर थोड़े टाइम बाद नए ले ऑफ के राउंड्स अनाउंस हो जाते हैं, AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI हो सकता है आप लोगों से ज्यादा बेटर कोड करता हुआ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, वेबसाइट्स बना देता है आपके लिए, टूल्स बना देता है, एक्सटेंशन बना देता है, DSA के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। तो दिमाग में एक डाउट तो पक्का होगा कि व्हाट आई थॉट 2 years बैक, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग काफ़ी लुक्रेटिव जॉब है, बहुत सारे पैसे मिलते हैं, काम करना पड़ता है, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे पर्क्स मिलते हैं, बट अगर जॉब्स ही नहीं होंगी इन द कमिंग 5 years, इन द कमिंग 3 years, तो मेरा इंजीनियरिंग करने का, मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का फ़ायदा क्या है? सो आई थिंक ये डाउट मेरे मन में भी था, आप लोगों के मन में भी होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे लोगों से बात करी है, काफ़ी सीनियर लोगों से बात करी है, काफ़ी रिसर्च करी है, तो आज की वीडियो में वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ सॉल्यूशंस, कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बात करेंगे। सो हाई गाइस, आई एम निशांत चाहर, इफ यू डोंट नो मी, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट, आई हैव ऑलमोस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, मोर देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव टॉक्ड टू मल्टीपल पीपल, आई एम कनेक्टेड टू स्टार्टअप फाउंडर्स, आई एम कनेक्टेड टू CTO, CEOs, इंजीनियरिंग मैनेजर्स, रिक्रूटर्स, एंड मैं सबके साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट करके बात बात करता रहता हूँ, मैंने उनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, एंड आई वॉन्ट टू रिमूव द फियर फ्रॉम योर माइंड कि अगर मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो इसका पढ़ने का कोई फायदा है कि नहीं है। तो बिना किसी तरीके में वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चेकआउट एल्गो प्रेप, अगर अब तक नहीं देखा है तो वी हैव लॉन्च्ड आवर कोहोर्ट 2.0, DSA बिल्कुल ऐसे स्ट्रॉन्ग बना देंगे, ठीक है, कि फिर से कहीं और कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस नोट्स रिवाइज करने होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, एंड यू विल बी गुड टू गो, कोई भी इंटरव्यू राउंड हो, कुछ भी हो, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। सबके मन में ये डाउट होगा कि इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गोइंग टू डाई इन द नेक्स्ट 5 years, एंड ऑनेस्टली यार फ्यूचर किसी ने नहीं देखा है, हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंसेस से लोगों से बात करके थोड़ा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कि इफ़ दिस इज़ गोइंग टू हैपन और नॉट, होगा या नहीं वो हमें आगे जाके पता चलेगा। अब एक डेटा के साथ बात करते हैं, व्हेन आई वाज इन 2017, जब मैं JEE दे रहा था उस साल 11.5 लाख लोगों ने JEE का एग्जाम लिखा था, अगले साल अराउंड 12 लाख लिखा, बट लास्ट 3-4 साल से द नंबर ऑफ पीपल अपीयरिंग फॉर JEE, दैट इज जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर इंजीनियरिंग, जिससे आपको IITs एंड IITs में एडमिशन मिलता है, वो रिड्यूस होता जा रहा है। आई थिंक लास्ट ईयर 8.59 लाख लोगों ने लिखा था, पहले मिनिमम 1 million लोग लिख रहे होते थे, अब उससे नंबर कम होता जा रहा है। सो इससे एक चीज़ तो समझ आ रही है कि लोगों का जो ट्रस्ट है ऑन इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन जनरल या फिर इंजीनियरिंग, थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, एंड दिस इज ड्यू टू मेनी रीजंस। पहले अवेयरनेस नहीं थी, पहले लोगों को पता नहीं होता था कैसे एक जॉब चाहिए, पहले लोगों को पता नहीं होता था रिमोट जॉब्स कैसे मिलती हैं, पहले कंपनीज इंडिया में हायर ही नहीं करती थी, पहले कंपनीज इंडिया में जो होती थी वो बस सर्विस बेस्ड कंपनीज होती थी, TCS, विप्रो, इन्फोसिस, एक्सेंचर, बट लास्ट कुछ टाइम से ये बिग टेक जैसे माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, गूगल, इन लोगों ने अपने बड़े बड़े टेक सेंटर्स यहाँ पे ओपन कर दिए, जो स्टार्टअप कल्चर है वो बूम करने लगा है, इंडिया में इतने सारे यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं, ठीक है, वैल्यूएशन की बातें और प्रॉफिटेबल है कि नहीं है उनकी बातें नहीं करते हैं, बट स्टिल लाइक अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स आर पुटिंग इन मनी इन इंडिया, उसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं, एंड ये कंपनीज़ अपने टेक सेंटर्स और ओपन करती जा रही हैं, ये नहीं कि इन्होंने बस ओपन कर दिए एंड यहाँ से वापस कहीं और जा रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज़ अपने नए टेक सेंटर्स ओपन कर रही हैं, गूगल पुणे में अपना नया टेक सेंटर ओपन करने वाला है, गूगल ने बहुत सारी नई बिल्डिंग्स ले ली हैं, बैंगलोर में, हैदराबाद में नया अपना लाइक टेक सेंटर ओपन करने वाला है, माइक्रोसॉफ्ट और जगह एक्सपैंड करने का देख रहा है, अमेजॉन और जगह एक्सपैंड करने का देख रहा है, एंड स्टार्टअप्स दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, बट एज यू सी रिसेशन चल रहा है, ले ऑफ चल रहे हैं, लोग अपनी जॉब्स लूज़ कर रहे हैं, बट वो कौन लोग हैं एग्जैक्टली जो अपनी जॉब्स लूज़ कर रहे होते हैं, कौन लोग हैं जो अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं? इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ समझ आई होगी कि इंजीनियर्स की नीड तो अभी भी होगी, इंजीनियर्स की नीड नेक्स्ट 5 साल भी होगी, उसके बाद भी होगी, बट कौन से इंजीनियर्स की नीड होगी? स्किल्ड इंजीनियर्स की नीड होगी। अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेज बढ़ते जा रहे हैं, तो कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। जब रिसोर्सेज नहीं थे, अवेयरनेस नहीं थी, तो इट वॉज लाइक अंधों में काना राजा, आपने शायद ये वाली कहावत सुनी होगी कि अगर 10 लोग थे, 10 में से 1 को थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें आती थी, सो ही वॉज एबल टू डू समथिंग और शी वॉज एबल टू डू समथिंग, बट इन द पास्ट 5 years, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स, इंटरनेट एक्सेस, इन सब चीज़ों की वजह से नॉलेज बहुत ईजिली एक्सेसिबल हो गई है। अगर वो पहले 10 में से 1 हुआ करता था, अब वो 10 में से 8 लोग हैं जो उस लेवल पे हैं, सब सेम लेवल पे हैं, नंबर ऑफ जॉब्स थोड़ी सी बढ़ी है, बट कॉम्पिटिशन उससे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब कुछ भी चीज़ सीखने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर्ड पाथ, स्ट्रक्चर्ड वे चाहिए होता है। इसी चीज़ के लिए मी एंड सुबेश रिसेंटली लॉन्च एल्गो प्रेप,
यहाँ पे हम बहुत सारे चीज़ें आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, बहुत सारे कोर्सेज आपको अफोर्डेबल प्राइसेज में प्रोवाइड करने वाले हैं। हमने अपना पहला कोर्स एसडी इंटरव्यू प्रेप लॉन्च किया था 2 महीने पहले, हमें बहुत अमेजिंग रिस्पांस मिला एंड पीपल आर आस्किंग फॉर द नेक्स्ट बैच बिकॉज उसकी ऑलमोस्ट 1.5 महीने की क्लासेज हो चुकी हैं। सो वी थॉट ऑफ लॉन्चिंग अनदर बैच, हमने 2.0 लॉन्च कर दिया, वो आप algoprep.in पर जाकर डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे और प्लान्स भी हैं, अभी ये जो कोर्सेज हैं ये एक्सपैंड करने वाले हैं बहुत जल्दी। जो जो आप चीज़ें सुनते हो उन सब से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ नए नए कोर्सेज मिलते रहेंगे, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड बहुत अफोर्डेबल रहने वाले हैं, ठीक है, अगर आपके पास 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए नहीं है, अगर आपके पास 20-25 हज़ार रुपये भी नहीं है, तो आपको वो बहुत मिनिमल कॉस्ट में अंडर 10,000 हम सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड कर रहे होंगे। एंड स्टिल इफ़ यू कॉन्ट अफोर्ड एनी पेड कोर्स, सो वी आर गोइंग टू लॉन्च algoprep यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज मिल रहे होंगे पढ़ने के लिए। एंड दिस इज़ एन इनिशिएटिव जो जिसपे हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, इट विल बी लॉन्च सून, अभी आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रॉपर लॉन्च वीडियो इसकी जल्दी आएगी। बट येस, अब आ जाते हैं AI पे। AI टूल्स आ गए हैं जो जिसको आप फिगमा दोगे, फिगमा एक डिज़ाइन टाइप का होता है, डिज़ाइन दोगे वो आपके लिए कोड लिख देता है रिएक्ट में। अब वेब डेवलपर्स जो लोग सोच रहे हैं, फ्रंट एंड इंजीनियर्स जो लोग सोच रहे हैं, यार मेरे को तो फ्रंट एंड इंजीनियर बनना था बट ये तो मेरा सारा काम कर देता है। अब एक्चुअली एट द स्टेज ऑफ टाइम जो ये टूल्स हैं ये आपको बॉयलर प्लेट कोड लिख के दे देते हैं कि आपको यहाँ पे बटन लगाना है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है, तो वो सब लिख दिया। यू विल हैव टू चेंज ऑल दैट, यू विल हैव टू ऐड योर ओन लॉजिक, कोई भी कहीं पे भी लॉजिक ऐड करना है। सो एक तरीके से जो पहले काम एक इंजीनियर 1 हफ्ते में करता था, दैट कैन बी डन इन अ डे। जो टाइम है वो कम हो गया है बट स्किल्ड इंजीनियर की अभी भी नीड है। एंड बेसिक्स जो स्किल्स हैं, बेसिक स्किल्स जो हैं, जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम है, अगर आप फ्रंट एंड सीख रहे हो तो उसमें जो बेसिक स्किल्स होते हैं वो सब आपको सीखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल्स आपके जब तक क्लियर नहीं होंगे आप एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन सकते। सो DSA जिनको करना है, जिनको कोई रिसोर्स अच्छा नहीं मिल रहा है, सुबेश हैज़ 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ही हैज़ टॉट एट स्केलर पिप कोडिंग एंड ही वॉज टीचिंग एट 3 लाख वाला प्राइस पॉइंट, वी हैव ब्रॉट इट डाउन टू अंडर 6,000। बाकी सारी डिटेल्स आप वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा, ज़्यादा मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगा। बट येस, आज के टाइम पे स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अपने स्किल्स पे बहुत ज़्यादा काम करना होगा। अगर आप सिर्फ चीज़ें रट रहे हैं, DSA आप रट रहे हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा। यू विल नीड टू वर्क ऑन योर बेसिक फंडामेंटल्स एंड फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होने से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। अगर आप आज के टाइम पे भी लिंक्डइन जॉब्स पे जाके देखोगे, naukri.com पे जाके देखोगे, तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। बिग टेक अभी हायर नहीं कर रहा बट स्टार्टअप इंडिया में बहुत सारे हायर कर रहे हैं, रिमोट जॉब्स आपको बहुत सारी अवेलेबल मिल जाएंगी, बट उनको चाहिए स्किल्ड लोग, ठीक है। इफ़ यू हैव मेमोराइज्ड DSA, अगर आपने रट लिया है क्वेश्चंस को, तो आप जाके इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाओगे। चीज़ों को रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चीज़ों को अच्छे से पढ़ना समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप एक्चुअल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओगे। अब जैसे मैंने बताया कि कंपनीज तो और लोगों को हायर करेंगी, बट करेंटली जो कंपनीज हायर कर रही हैं, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लोगों को पता चल जाता है, अगर पहले गूगल हायर करता था तो बहुत कम लोगों को पता चलता था, या फिर कैंपस से जाके हायर करता था, अब ऑफ कैंपस बहुत सारी ड्राइव चलती हैं। सो जो कॉम्पिटिशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और कॉम्पिटिशन को बीट करने के लिए आपको स्किल्स पर अपने काम करना ही पड़ेगा, उसका तो कोई वर्क अराउंड है ही नहीं। अगर आप सोचोगे मैं बेड पर बैठा हूँ यूट्यूब वीडियो देख रहा हूँ और बस यूट्यूब वीडियो देख के मेरी नौकरी लग जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है, आपको बैठ के मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो स्विच करने के लिए किसी भी चीज़ के लिए, हमने algoprep 151 की शीट थोड़े टाइम पहले लॉन्च करी थी, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये 151 क्वेश्चंस है जिससे आपकी DSA की प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी, यू कैन स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज़, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप डेफिनेटली जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड इसके साथ 21-22 के अराउंड बहुत ज़्यादा बुल रन चल रहा था मार्केट में, क्या हो रहा था कि टेक बूम कर रहा था, टेक एक बबल में था जो बढ़ता जा रहा था, जो बर्स्ट होने वाला था। इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा एडटेक फिनटेक हर जगह लाइक अपने पैसे लगा रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे, बिग टेक कंपनीज अपने आप को एक्सपैंड कर रही थी, जो टैलेंट के लिए ना फाइट चल रही थी कि अगर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इसके पास एक ऑफर है, वो उस टाइम पे 10-10 ऑफर ले लेता था एंड फिर जो सबसे ज़्यादा पैसे दे रहा होता था नेगोशिएट करके उसमें चला जाता था। सो सैलरीज बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो चुकी थी एट अ पॉइंट। सो अब कंपनीज को समझ आया कि यार हम किसी को अगर हम 1 करोड़ रुपये दे रहे हैं तो एक्चुअली क्या ये काम 1 करोड़ रुपये का है या 50 लाख में भी हो सकता है। सो वो चीज़ें चल रही हैं, लोगों की सैलरीज रीस्ट्रक्चर हो रही हैं, अगर उनको पिछले साल बहुत ज़्यादा पैकेज मिला था तो अगर वो उतना डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो दे माइट गेट लेड ऑफ, या फिर दे माइट डिमोट, तो जनरली नहीं होता है यहाँ पे, बट उनको नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट नहीं मिलेंगे, नेक्स्ट ईयर बोनसेज नहीं मिलेंगे, दे विल स्टे एट द सेम सैलरी फॉर अनदर ईयर, सो दैट एवरी वन कम्स टू अ स्टैंडर्ड अगेन। इसके साथ साथ स्टार्टअप्स अपने पैसे बहुत सोच समझ के लगा रहे हैं हर जगह,
पहले स्टार्टअप्स जिसको देखो उसको हायर कर लेते थे, बहुत ज़्यादा हायरिंग चल रही थी, मास हायरिंग कर रहे थे, अगर टीम में बस 5 लोगों की ज़रूरत है वो 30-30 लोगों की इंजीनियरिंग टीम बना रहे थे, इतना ज़्यादा एक्सपैंड भी नहीं करना था, बट पीपल हैव स्टार्टेड हायरिंग मोर कॉन्शियसली नाउ. ज़ीरोधा की 32 इंजीनियरिंग इंजीनियर्स की टीम है, 32 इंजीनियर्स, वो इतने सारा काम करते हैं, ज़ीरोधा कितना बड़ा है. ऑन दी अदर हैंड देर आर सो मेनी टेक स्टार्टअप्स जिनके पास इतना बड़ा प्रोडक्ट भी नहीं है, स्टिल दे हैव लाइक हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज इन इंजीनियरिंग डिवीजन. सो ये चीज़ें अब लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि एक्चुअली हमें कितने लोग चाहिए. अगर हम AI को इंटीग्रेट करते हैं, AI को ऐड करते हैं, तो कितना वर्कलोड कम हो सकता है एंड कितने कम लोग काम कर सकते हैं. तो टॉप लेवल अगर आपको नॉलेज है ना कि भाई मेरे को CSS, HTML, JavaScript आता है, मैं तो वेबसाइट बना दूंगा, तो वेबसाइट तो AI भी बना देगा. इसको और इम्प्रूव कैसे करोगे? नीश स्किल्स सीखनी पड़ेंगी, उनके ऊपर भी जल्दी जल्दी कुछ कुछ करते रहेंगे, बट नई स्किल सीखना पड़ेगा, अपने फंडामेंटल्स को क्लियर रखना पड़ेगा. फंडामेंटल्स को क्लियर क्यों रखना है? ChatGPT भी आपको कोड लिख के दे देता है, बट हमेशा वो कोड वर्क नहीं करता है. आप उसके बग को तब तक फिक्स नहीं कर पाओगे जब तक आपको फंडामेंटल्स ही नहीं आते हैं, जब तक आपको पता ही नहीं यार प्रॉब्लम कहाँ आ रही है. AI कोड लिख देगा, बट ज़रूरी नहीं है कि AI बग फ्री कोड लिखे. बग फ्री तो हम भी कोड नहीं लिख पाते, AI तो हमसे ही सीख रहा है ना, जो जो चीज़ें हमने लिखी हुई हैं उन चीज़ों पर तो ट्रेंड है AI. सो वहाँ पे ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन माइंड, ये सारी चीज़ें ज़रूरत, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. सो ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए ही होगा, वो कितना ज़्यादा चाहिए होगा दैट विल रिड्यूस इन द कमिंग फ्यूचर. बट टेक का स्कोप इंक्रीज होता जा रहा है, टेक की जॉब्स इंक्रीज होती जा रही हैं, उसके साथ साथ कंपनीज भी इंक्रीज होती जा रही हैं. सो आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ गोइंग टू स्टे फॉर मोर देन 5 years एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो अगर आप अभी कॉलेज में हो, फर्स्ट ईयर में हो, अगर आप अभी स्कूल में हो एंड इंजीनियरिंग लेना चाह रहे हो, तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली टेक इंजीनियरिंग एंड ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. अब इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आता है कि यार DSA करना ज़रूरी है कि नहीं है. अब DSA क्यों, DSA के इंटरव्यूज़ होते थे? DSA ना आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को टेस्ट करता है, ठीक है, एंड एक कॉमन ग्राउंड ऐसा कंपनीज को भी नहीं मिलता है जो एक्चुअली वहाँ पर काम में भी यूज़ होता हो एंड जिससे आपकी थिंकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी एनालाइज कर पाएँ. DSA से आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बिल्ड होती है. अगर आप DSA नहीं करोगे तो आप काफ़ी जगह पे अटक सकते हो, आपको पता ही नहीं चलेगा यार कहाँ पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है. आप डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज़ करते हैं यार? तो डेटा को हम कितना जल्दी स्टोर कर सकते हैं, कितना जल्दी रिट्रीव कर सकते हैं, उस पर ही सारा गेम है. जितना फास्ट ये प्रोसेस हो पाएगा, जितना ऑप्टिमल ये प्रोसेस हो पाएगा, उतने ही फास्ट हमारी एप्लीकेशन होंगी, उतना ही डिले हमारे पास कम होगा. सो डेटा स्ट्रक्चर से हम ये चीज़ें सीखते हैं कि कौन सी ग्राफ की एल्गोरिथम यूज़ करनी है, एक्चुअली लिंक्ड लिस्ट होता क्या है, हैश मैप होता क्या है, इसके अलावा ट्रीज होते क्या हैं, एंड ये सब सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जब कोई भी बड़ी चीज़ भी बिल्ड कर रहे होगे ना, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही काम आते हैं. अब इससे एक चीज़ तो कंक्लूड करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहीं नहीं जा रहा है. जॉब्स आर गेटिंग मोर कॉम्पिटिटिव. आप बस ह्यूमंस के साथ कम्पीट नहीं कर रहे हो, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आप AI के साथ भी कम्पीट कर रहे हो. आपको उस AI को यूज़ करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, उस AI से डरना नहीं है. अगर AI से डर जाओगे, उसको कभी यूज़ ही नहीं करोगे, तो समवन हु इज़ यूजिंग दैट AI टू डू दैट जॉब इन अ डे, जो एक हफ्ते में आप कर रहे हो, ही विल गो वे अहेड ऑफ यू एंड आप सोचते रह जाओगे यार अच्छा होता उस टाइम पर अगर मैं इसको यूज़ करना सीख लेता. सो ट्राई AI टूल्स, ट्राई यूजिंग द AI टूल्स, गेट बेटर एट वट यू डू एंड जस्ट डोंट वरी अबाउट योर जॉब. जॉब मिल जाएगी, ओपनिंग्स आती रहेंगी, बहुत सारी कंपनीज हायर करेंगी, नई नई कंपनीज बिल्ड होती जाएंगी. सो ये चीज़ें चलती रहती हैं. स्टार्टिंग में लोग जब असेंबली लैंग्वेज में कोड लिखते थे तो वो चीज़ कंपाइल करने में, वो लिखने में उनको महीने लग जाते थे. सेम चीज़ जब बेटर हुई, जब हमने C++ जावा लोगों ने इन्वेंट किया, तो वो वाला काम थोड़ा कम हो गया. C++ जावा के बाद जब पाइथन आया, जावास्क्रिप्ट आया, तो काम और थोड़ा फास्ट होने लगा. एंड अब AI की हेल्प से, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हेल्प से, वो काम और ज़्यादा फास्ट होने लग जाएगा. स्टिल काम करने के लिए लोग तो चाहिए ही होंगे, तो उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है. फंडामेंटल्स ज़रूर क्लियर करने हैं. DSA हमेशा इम्पॉर्टेंट रहेगा. एल्गो प्रेप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो DSA के लिए. एंड इसके साथ साथ इंजीनियरिंग कर लो, बिकॉज इसके बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आ जाती हैं. आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. आपके पास एक डिग्री हो जाती है प्रोफेशनल, सो आप बहुत सारी जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो. उसके बाद आप फाइनेंस में भी घुस सकते हो. अगर आपको MBA करना है, आपको मार्केटिंग में जाना है, मार्केटिंग में जा सकते हो. आपको जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हो, राइट. सो डोंट वरी अबाउट दिस. अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी आती रहेंगी. अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करना सीखो एंड डरो मत बस. सो लास्ट में जस्ट फोकस ऑन योर स्किल्स. चेकआउट एल्गो प्रेप अगर अब तक नहीं देखा है तो. वी हैव लॉन्च्ड आवर कोहोर्ट 2.0. DSA बिल्कुल ऐसे स्ट्रॉन्ग बना देंगे, ठीक है.
कि फिर से कहीं और कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस नोट्स रिवाइज करने होंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे एंड यू विल बी गुड टू गो। कोई भी इंटरव्यू राउंड हो, कुछ भी हो, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई थिंक थोड़ा जो डर था वो कम हो गया होगा। अच्छे से पढ़ाई करो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहीं नहीं जा रहा है, अभी कम से कम 5-10 साल तो यही है, बस चीज़ें चेंज होती जाएंगी, टूल्स चेंज होते जाएंगे, चीज़ों का करने का तरीका चेंज होता जाएगा, बट एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही काम आएंगी। पहले कुछ और टूल्स यूज़ करते थे, आज कुछ और करते हैं, 5 साल बाद कुछ और करेंगे। अपने आप को अपस्किल करते रहो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए